धीरेन्द्र शास्त्रीनु आज वडोदरा दिव्य दरबारनु आयोजन है, त्यारे वडोदरा में तेमना दिव्य दरबार आयोजन ने लईने आयोजक समिति द्वारा विशेष माहिती आपवामां आवी हती। देखिए, आयोजन बहुत बढ़िया है। यहाँ आयोजकों द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है बहुत ही अच्छा है। जो है हर तरह की सुविधाएं जो है पब्लिक के लिए रखी गई है कि जो भी भक्तगण आए उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जो है उसके रखा गया। और शाम को 6 बजे से दरबार लगेगा और कम से कम उम्मीद है कि 11:30 बजे तक दरबार चलेगा। जो अच्छा, दरबार के पहले का कुछ आयोजन है, कहीं जाएंगे दर्शन के लिए? क्योंकि हर बार देखा गया है राजकोट और सूरत, वो कहीं ना कहीं जा गए हैं जी। अभी देखिए, अभी आए हैं करीब आधे घंटे पहले पूज्य गुरु जी आए हैं और अभी विश्राम कर रहे हैं। 1 बजे से कुछ लोगों से मिलेंगे जो यहाँ के लोग हैं, उनको अपना आशीर्वाद देंगे जो है। उसके बाद का शेड्यूल जो है फिर बनेगा कि कहीं जाना है या तो सीधा दिव्य दरबार पे कोई मंदिर वगैरह दर्शन करने। अभी तक ऐसा कोई शेड्यूल में है नहीं। VIP दरबार होगा इधर पे? नहीं, VIP दरबार नहीं है। जो आयोजक हैं, आयोजक के साथ जुड़े हुए लोग हैं जो इस आयोजन में सहयोगी हैं, उन लोगों को आशीर्वाद देंगे यहाँ पे। चार्टर से पहुँचे यहाँ की बाई रोड पहुँचे राजकोट से? पास में ही थे, राजकोट थे, इसलिए जो है वो देखिए वो शेड्यूल जो है उन लोगों का है धाम की तरफ से कि किस तरह आएंगे किस तरह जाएंगे उस पर हम वो पूछेंगे। अब आगे क्या शेड्यूल की व्यवस्था की गई है, कितने लोग आएंगे, क्या है? देखिए, आपके लगे हुए हमारे तो समझिए कि कम से कम 500 से 600 लोग हमारी तरफ से लगे हुए हैं जो है। और आयोजकों द्वारा बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 लोग 3 लाख लोग जो है आने की, मगर उम्मीद है कि कम से कम 5 लाख लोग आने की उम्मीद है। आगे का क्या शेड्यूल है बड़ौदा के बाद, क्या उनका प्रोग्राम, इसके बारे में कुछ अभी जानकारी नहीं है आश्रम की तरफ से। यहाँ कब तक रुकेंगे बड़ौदा में दरबार के बाद? गुरु जी आज रात तक है। आज कहाँ जाने वाले हैं? इसके बाद अभी तक बाकी आगे का शेड्यूल कुछ। गुजरात का दौरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा? यहाँ पे हाँ, गुजरात दौरा यहाँ आज खत्म है। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा